दोस्तों, भारत में पहली बार आधुनिक साबुन अंग्रेज 1890 के दशक में लेके आए थे। पहली बार ब्रिटेन से आयात हुआ, फिर यहाँ उसकी फैक्ट्री खुली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भारतीय अपने कपड़े पहले कैसे धोते थे? कैसे राजा और रानियाँ के महंगे कपड़े को साफ करके चमका दिया जाता था? इसके अलावा कपड़ों को धोने और नहाने में खुद को साफ करने के तरीके क्या थे? क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि जब साबुन और सर्फ नहीं रहे होंगे तो कपड़े कैसे धुलते होंगे? राजा रानियों के महंगे कपड़े कैसे साफ होकर चमकते रहे होंगे? कैसे आम साधारण व्यक्ति भी अपने कपड़े धोता होगा? भारत में आधुनिक साबुन की शुरुआत 130 साल पहले ब्रिटिश शासन में हुई थी। लीबर ब्रदर्स इंग्लैंड ने भारत में पहली बार आधुनिक साबुन बाजार में उतारने का काम किया। पहले तो ये ब्रिटेन से साबुन को भारत में आयात करती थी और उनकी मार्केटिंग करती थी। जब भारत में लोग साबुन का इस्तेमाल करने लगे तो फिर यहाँ पर पहली बार उनकी फैक्ट्री लगाई गई। ये फैक्ट्री नहाने और कपड़े साफ करने दोनों तरह के साबुन बनाती थी। नॉर्थ वेस्ट सोप कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 1897 में मेरठ में देश का पहला साबुन का कारखाना लगाया। ये कारोबार खूब फला फूला। इसके बाद जमशेदजी टाटा इस कारोबार में पहले भारतीय कंपनी के तौर पर कूद पड़े। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है कि जब भारत में साबुन का इस्तेमाल नहीं होता था, सोडे और तेल के इस्तेमाल से साबुन बनाने की कला किसी को मालूम नहीं थी, तो कैसे कपड़े को धोकर चमकाया जाता था? दोस्तों, भारत वनस्पति और खनिज से हमेशा संपन्न रहा है। दोस्तों, आप सभी रीठा के बारे में जरूर जानते होंगे। पहले के टाइम कपड़ों को साफ करने के लिए रीठा का खूब इस्तेमाल होता था। महंगे रेशमी वस्त्रों को कीटाणु मुक्त और साफ करने के लिए रीठा आज भी सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। प्राचीन भारत में रीठे का इस्तेमाल सुपर सोप की तरह होता था। इसके छिलकों से झाग पैदा होता था जिससे कपड़ों की सफाई होती थी, वो भी साफ हो जाते थे और उन पर चमक भी आ जाती थी। रीठा कीटाणुनाशक का भी काम करता था। दोस्तों, आज भी रीठा का इस्तेमाल बालों को धोने में प्रयोग किया जाता है। रीठा से शैम्पू भी बनाए जाते हैं। ये अब भी खासा लोकप्रिय है। पुराने समय में रानियां अपने बड़े बालों को इससे धोती थी। इसे सॉप बेरी या वासनट भी कहा जाता था। दोस्तों, पहले के टाइम दो तरह से कपड़े साफ होते थे। हम लोग अपने कपड़े गर्म पानी में डालते थे, उसे उबालते थे, फिर उसमें निकाल कर कुछ ठंडा करके उसे पत्थरों पर पीटते थे जिससे उसकी मैल निकल जाती थी। ये काम बड़े पैमाने पर बड़े बड़े बर्तनों और भट्टियाँ लगाकर किया जाता था। अब भी भारत में जहाँ बड़े बड़े धोबी घाट हैं, वहाँ कपड़े आज भी इन्हीं देसी तरीकों से साफ होते हैं। उसमें साबुन या सर्फ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। दोस्तों, दूसरा तरीका, पहले के टाइम पे महंगे और मुलायम कपड़ों के लिए रीठा का इस्तेमाल होता था। पानी में रीठा का फल डालकर उसे गर्म किया जाता था। ऐसा करने से पानी में झाग उत्पन्न होता था। इसको कपड़े पर डालकर उसे हाथ से पत्थर या लकड़ी पर रगड़ने से ये कपड़े साफ ही नहीं हो जाते थे बल्कि कीटाणु मुक्त भी हो जाते थे। शरीर पर किसी प्रकार के कोई रिएक्शन भी नहीं करता। दोस्तों, एक तरीका साफ करने का और था जो भी खूब प्रचलित था। ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि पर नदी तालाब के किनारे अथवा खेतों में किनारे पर सफ़ेद रंग का पाउडर दिखाई देता है जिसे रेह भी कहा जाता है। भारत की ज़मीन पर यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कोई मूल्य नहीं होता। इस पाउडर को पानी में मिलाकर कपड़ों को भिगो दिया जाता है। इसके बाद कपड़ों को लकड़ी की थापी या पेड़ों की जड़ से बनाए गए जड़ों से रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता था। रेह एक बहुमूल्य खनिज है। इसमें सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट होता है। इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड भी पाया जाता है जो कपड़ों को कीटाणु मुक्त कर देता है। दोस्तों, उसके बाद जब नदियों और समुद्र के पानी में सोडे का पता लगा तो कपड़े धोने में इसका भरपूर प्रयोग होने लगा। प्राचीन भारत ही नहीं बल्कि कुछ दशक पहले तक भी मिट्टी और राख से बदन पर रगड़कर भी भारतीय नहाया करते थे या फिर अपने हाथ साफ करते थे। राख और मिट्टी का इस्तेमाल बर्तनों को साफ करने के लिए भी होता था। पुराने समय में लोग सफाई के लिए मिट्टी का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, अब जान गए होंगे आप कि पहले किस तरह कपड़ों को साफ किया जाता था। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।